हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं यहाँ पे, ताकि आपको आसानी हो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो चुका है, कुछ ही दिनों में भी स्टार्ट होने वाला है। तो आप अपनी तैयारी में जो है 100% रहिए और इस पेपर को भी पूरा अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। जस्ट बिकॉज कि पेपर में से कम 4 से 5 नंबर जो है हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या 20 मिनट का ही समय लगेगा, लेकिन आप पूरे पेपर को अगर पढ़ लेते हैं तो आपके 4 से 5 नंबर जो है फिक्स हो जाते हैं। आइए टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं सीधा वीडियो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लास्ट में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जनरल अवेयरनेस से स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शन है फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर देम इंडिविजुअली। क्वेश्चन नंबर 1 है, जापान PM शिंजो एबे कम टू ऑफिस लास्ट ईयर विद द ह्यूज सपोर्ट इन हिज फेवर, बट सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स ही इज फेसिंग प्रॉब्लम्स इन हिज पॉलिटिकल सर्वाइवल। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन टेकन बाय हिम डज नॉट इन्जॉय सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ द जापान। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो अब आंसर देखना है आपको। ए, डिसीजन ऑफ पोस्टपोन पार्लियामेंट इलेक्शन। बी, फेलिंग टू कंट्रोल इन्फ्लेशन विच हैज़ गॉन टू लेवल ऑफ 12% अनयूजुअल फेनोमेना इन हिस्ट्री ऑफ जापान। सी, डिसीजन टू अलाउ USA टू मेक एन आर्मी बेस इन सम ऑफ इट्स आइसलैंड्स वेयर USA विल हैव इट्स न्यूक्लियर वॉर लीड्स। क्वेश्चन का आंसर देखिए, ओनली बी, ओनली ए, सी बोथ ए एंड बी, या डी ओनली सी। तो आंसर है देखिए ओनली ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ, आंसर यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, SBI क्लर्क का ही देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2006-07 द फॉरन प्रोडक्शन मे नॉट टच द टारगेट फिक्स्ड फॉर द ईयर, व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ द सेम सेट दिस फॉर द पीरियड। अभी 2006-07 है, यहाँ पे आपका जाएगा 2019-20 या 18-19। तो ये जैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, देखिए पैटर्न सेम रहता है, सिर्फ आपको जो है कुछ चेंजेस कर दिया जाता है ईयर का। ए, 100 मिलियन टन्स, 220 मिलियन टन्स, 175 मिलियन टन्स, डी 250 मिलियन टन्स, ई 320 मिलियन टन्स। तो इसका आंसर है बी, यानी 220 मिलियन टन्स। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, मधेसी नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी MNLF इज एन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, पाकिस्तान, म्यांमार, युगांडा, ईरान, नेपाल। तो इसका आंसर है ई, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग्स द फॉलोइंग क्रिकेटर्स बिकम द 9th इंडियन टू क्लेम 150 और मोर विकेट्स, कुंबली, अगारकर, सचिन तेंदुलकर, हरभजन, या नन ऑफ दीस। तो इसका आंसर है सी, सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर बैंक्स ब्रॉट इट्स इक्विटी शेयर फॉलो ऑन पब्लिक इश्यू फॉर विच द प्राइस वॉज सेट एज ₹940 पर इक्विटी, ICICI बैंक, या कर्नाटका बैंक, UTI बैंक, HDFC बैंक, नन ऑफ दीस। तो इसका आंसर है ए, ICICI बैंक। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लेंदी है, लेंदी मतलब ये है कि आपको ये पूरा पैसेज जो है आपको पढ़ना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है, राजप्रक्षे थ्रेटर्स टू डिसॉल्व लंका पार्लियामेंट। तो आप यहाँ पे पॉज करके जो है इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है। जस्ट बिकॉज दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना, मैं आपको शॉर्ट जितने क्वेश्चन है वो करा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे आ जाते हैं, हु अमंग्स द फॉलोइंग रिटर्न टू अर्थ आफ्टर अ लॉन्ग 195 डेज स्टे इन स्पेस। तो आंसर है देखिए इसका, कुछ पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए है एंजिना बेरवर, माइक लेनबेज, श्रुति वडेरा, सुनीता विलियम्स, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है डी, सुनीता विलियम्स, जो 195 डेज जो स्टे करके आई थी स्पेस में से। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूरोपियन लीडर्स एग्री ऑन ट्रीटी वॉज द न्यूज़ इन लीडिंग न्यूज़पेपर इन रिसेंट पास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ट्रीटी ऑन विच लीडर्स वेयर डाइवर्स व्यूज, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो इसका आंसर देखिए ए है, यानी ओनली ए। तो ए क्या है इसका, द ट्रीटी वॉज टू मेक यूरो मनी अ यूनिवर्सल करेंसी फॉर ऑल फाइनेंशियल मोनिटरी ट्रांजेक्शन डन बाई ऑल द मेम्बर कंट्रीज विथ रिस्पेक्ट टू April 2019। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, प्राइस ऑफ RN ओरे इन ग्लोबल मार्केट रजिस्टर्ड अ सब्सटेंशियल राइज इन द लास्ट फ्यू मंथ्स 24%, दिस इज एट्रीब्यूट टू ह्यूज डिमांड ऑफ द सेम इन द ग्लोबल मार्केट, विच ऑफ द फॉलोइंग द मेजर इम्पोर्टर ऑफ द RNR। तो ये है फ्रांस, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, ब्रिटेन, या चाइना। तो इसका आंसर है सी, ई, चाइना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स इज नॉट डिसाइडेड बाई द RBI, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या इनकम टैक्स रेट्स, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है डी, इनकम टैक्स रेट्स, जो RBI जो है डिसाइड नहीं करती। तो बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर्स वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन 18th
इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी अवार्ड्स, तो इसका आंसर है ई यानी कि ऋतिक रोशन। क्वेश्चन नंबर 12, द यूनियन मिनिस्टर मिस्टर मणिशंकर अय्यर रिसेंटली कॉल्ड, तो इस समय यूनियन मिनिस्टर आपके जो चेंज हो चुके हैं जस्ट बिकॉज ये पुराना क्वेश्चन है, स्किप कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली अनरिलीव्ड एन एग्रीकल्चर पैकेज ड्यूरिंग हिज विजिट 253rd मीटिंग ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब आपको ये काउंसिल की मीटिंग को भी पढ़ना होगा कि इस समय 2020 में आपके कौन सी जो है रैंक है इस समय, मतलब 53rd है 54th है, ये आपको पढ़ना होगा। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द पैकेज, तो इसका आंसर है 30,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर है, इसका मतलब जो पिछले साल है तो उसमें से काफ़ी डेटा चेंज होगा क्योंकि आपको करंट अफेयर्स में आ जाते हैं, तो ये पुराना हो जाएगा, उसको आपको स्किप कर रहा हूँ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14, राफेल नाडाल वॉन द फ्रेंच ओपन मीन्स साइंस टाइटल 2007 आफ्टर डिफेंडिंग हु अमंग्स द फॉलोइंग, मार्क नोज, महेश भूपति, डेनियल नेस्टर, पानवेल विजनर या रोजर फेडरर, तो इसका आंसर है रोजर फेडरर। क्वेश्चन नंबर 15, मिस्टर शरद पवार विल टॉकिंग एन ग्रुप मिनिस्टर रिसेंटली मेंशन दैट द यूनियन एंड स्टेट्स गवर्नमेंट्स इज प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर द रिवाइवल ऑफ सिक मील्स, ही ऑल्सो मेंशन दैट देयर इज नॉट अ सिंगल मील विच हैज़ नॉट लॉस्ट सम मनी इन लास्ट फ्यू ईयर्स। मिस्टर पवार वॉज टॉकिंग अबाउट द रिवाइवल ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग मील्स, टेक्सटाइल्स मिल्स, सुगर मिल्स, जूट मिल्स, पब्लिक सेक्टर कंपनीज या नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर है सुगर मिल्स। नंबर 16 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अचीव द 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन, दिल्ली, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरला या नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर है नन ऑफ दिस। नंबर 17 पे आ जाते हैं, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज टेकन ओवर एज द चेयरमैन ऑफ द 18th लॉ कमीशन सेटअप रिसेंटली, तो इसका आंसर है ए जस्टिस ए आर लक्ष्मण। 18 पे आ जाते हैं, इंडियाज क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रेव एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स ड्यूरिंग द ईयर 2005 and 2006, जिसका आंसर है सी 9%। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं, हु अमंग्स द फॉलोइंग वॉज ऑनर्ड विद द नेहरू अवार्ड द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग गिवन रिसेंटली, ई है नन ऑफ दीज। 20वें नंबर पे आ जाते हैं, दौसा वीस वॉच वॉज बीन न्यूज रिसेंटली ईस्ट टाउन इन गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या राजस्थान, तो इसका आंसर है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक शेम, तो इसके जो हैं वो है सी जसविंदर सिंह। क्वेश्चन नंबर 22, एज पर रिपोर्ट्स पब्लिश बाय द OECD विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक कंट्रीज हैज जनरेटेड द मैक्सिमम न्यूज जॉब्स इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राजील, नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 23, मिस्टर डिगंबर वी कामत हैज टेकन ओवर एज विच ऑफ द फॉलोइंग अ फ्यू मंथ्स बैक, इसका आंसर सीधा लिख लेते हैं बी CM ऑफ गोवा। क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियंस वॉज रिसेंटली अवार्डेड किंग चार्लीस मेड बाय UK, तो इसका आंसर है सी डॉक्टर APJ कलाम। मिस रियो मोरी हु वॉज क्राउंड एज अ मिस यूनिवर्स 2017 बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो इसका आंसर है ए जापान। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू बिल्ड रोड टू द बेस कैंप ऑफ MT एवरेस्ट, तो इसका आंसर है बी चाइना। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय एयरटेल द लार्जेस्ट मोबाइल कंपनी रिसेंटली ज्वाइंड द इलाइट क्लब ऑफ कंपनीज अर्निंग प्रॉफिट्स ऑफ मोर देन $1 billion, व्हाट वाज बीन नेट प्रॉफिट इन द ईयर 2006-07, तो यह हो जाएगा आपका 2019 and 2020, तो इसका आंसर है देखिए यहाँ पे फिलहाल 4,250 करोड़। क्वेश्चन नंबर 28, सेबी बैन सम कंपनीज फॉर देयर रोल्स इन FNO स्कैम वॉज द न्यूज़ इन सम मेजर न्यूज़पेपर्स, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FNO, तो इसका आंसर है डी फ्यूचर एंड ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज रिसेंटली लॉन्च इट्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट फॉर द फर्स्ट टाइम, इसका आंसर है ए नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 30 है, द प्रेसिडेंट ऑफ द ब्राज़ील वॉज रिसेंटली ऑन विजिट टू इंडिया वेयर ही है वॉज साइन सेवरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एरिया ऑफ एग्रीमेंट, इसका आंसर है सी प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 31, इन एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC हेल्ड इन न्यू दिल्ली, PM ऑफ इंडिया मेड अ स्पेशल मेंशन ऑफ पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ इंडिया एज टेक्नोलॉजिकल फेटिज ऑफ लैक ऑफ ब्रेक थ्रू इन प्रोडक्शन, व्हाट इज दैट सेक्टर, तो इसका आंसर है बी ऑयल सेक्टर। नंबर 32, द वर्ल्ड इस्लामिक इकोनॉमिक फोरम रिसेंटली हेल्ड इन ए मलेशिया। 33,
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेजर इशू डिस्कशन ऑन G8 समिति हेल्ड रिसेंटली इन जर्मनी? बी क्लाइमेट प्रोडक्शन, तो ये आपको 2020 का पढ़ना होगा रिसेंटली, क्वेश्चन के टाइप सेम ही रहेंगे। एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2006-07 तो ये आपका 2019-20 द शेयर इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट हैज़ बीन, इसका तो आंसर है सी 1%। 35 हाउ मच अमाउंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू प्रोवाइड द मिडली मील स्कीम, तो इसका आंसर है सी 7300 करोड़। 36 है एज पर फिगर गिवन इन द न्यूज़ पेपर वॉट इज द अमाउंट इन्वेस्टमेंट्स इन वेरियस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स टिल डेट इन इंडिया, इसका आंसर है डी 35,000 करोड़। 37 हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक अ पैसेज टू इंडिया, डी E.M. फोस्टर। 38 है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बाउट RBI's एंटायर स्टेक इन द RSEBI इज अबाउट 35,531 करोड़, वॉट इज द शेयर ऑफ RBI इन SBI, तो आंसर इज सी ई 60%। Which of the following countries has decided to offer knighthood to Salman Rashid? D. UK. As per Union Budget 2017-7 and 8, तो यहाँ पे यूनियन बजट आपका हो जाएगा 19 and 20। इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। इंग्लिश में आपको इंस्ट्रक्शन है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी पैसेज वाइज, उसके बाद जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा वीडियो का पॉज करके देख सकते हैं टोटली कम्प्लीटली। तो दोस्तों ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अब इंग्लिश का पैसेज आ चुका है, ये पैसेज वगैरह तो आपको जो है डिफरेंटली आएंगे सेम इसी मैटर में, तो आप इसको जो है पॉज करके भी वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में एक नई जानकारी एक नई अपडेट के साथ, हम मिलेंगे आपको एक नए पेपर पैटर्न के साथ और एक नया प्रीवियस ईयर का पेपर के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।